हम जो है समाज से बाहर निकल के भी कुछ काम करने पड़ते हैं, ठीक है ना जी। तो वो जो दिव्यांग बच्चे हैं, सरकार कहती है उसको भी पढ़ने का अधिकार है, और आरटीई के तहत ऐसे बच्चों के लिए स्कूलों के अंदर विशेष सुविधा दे रखी है। जैसे अगर वहां पर लड़कियों का टॉयलेट अलग से है, लड़कियों का अलग से है, तो सीडब्ल्यूएसएल बच्चों का अलग से है, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ देखा होगा ना, आप सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, सभी सीढ़ियां चढ़ के आए हैं ना, ये कमरे ऊंचाई पे हैं, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए जी, रैंप की व्यवस्था। अभी तो ये कंप्लीट नहीं है, जिस दिन कंप्लीट होंगे तो एक रैंप भी मिलेगा आपको। वो रैंप की व्यवस्था भी किसकी तरफ से करी गई है, सरकार की तरफ से करी गई है, क्योंकि ताकि बच्चा आराम से जा करके अपना क्लास ज्वाइन करे, और क्लास से आराम से जा करके अपना जा सके। ऐसे बच्चों के लिए सरकार क्या कर रही है जी, कैंप लगाती है, कैंप लगाती है कि भाई उसके अंदर किन बच्चों को बुलाया जाता है, जो ये दिव्यांग बच्चे होते हैं, और वहां पर क्या है, उन बच्चों के सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। उन बच्चों को ट्राईसाइकिल चाहिए तो ट्राईसाइकिल मिलेगी, उन बच्चों को कम दिखाई देते हैं तो चश्मे मिलेंगे, कम सुनाई देता है तो, और अंग कोई खराब है और जैसे मान लिया उसको वो आर्टिफिशियल जो है ना, जैसे टांग चाहिए तो वो भी मिलेगी। यानी कि हर सुविधा सरकार देगी, लेकिन ऐसे बच्चे स्कूल तक तो पहुंचने चाहिए ना जी। ऐसे बच्चे और पहुंचेंगे कब, कब पहुंचेंगे, जब गांव वालों का इन चीजों का पता होगा, गांव वालों को पता ही इन चीजों का, और उनको बताएगा कौन, जैसे हम आपको बता रहे हैं ना, जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग उनको ये बातें बताएं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि भी आप लोग जो है वो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, न कि आप अपने बच्चे के लिए, सिर्फ एक बच्चे के लिए यहाँ आए हो, ठीक है ना। तो आप लोग जो है वहां पर ये बातें बता सकते हैं, और ऐसे बच्चों के लिए जो CWSN बच्चे हैं मान लिया, और ऐसा बच्चा अगर एक भी आपने जो है स्कूल के अंदर, एक भी बच्चा आपने स्कूल के अंदर लगवा दिया ना, तो समझ ले आप क्या है, कई तीर्थ ने लिए, मतलब आपके मदद से एक बच्चा भी पढ़ गया,